जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आयुब अच्छे ही होगी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती वर्तमान समय में प्रचलित है, जिसमें 60,244 पद हैं, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्द आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। और जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो आपके पास नहीं है या पुराने हैं तो उन्हें आप बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, करेक्शन होने में टाइम लगता है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो आप एग्ज़ाम क्रैक कर दो और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। और इसके साथ ही जिन जिन साथियों के फॉर्म फिल करते समय साइबर कैफे वालों से कोई मिस्टेक हुई थी, उनके पिताजी या माताजी का नाम गलत हुआ था या गांव का नाम, पिन कोड वगैरह, मतलब कोई भी अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हुई थी फॉर्म फिल करते समय, या आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, आपने पुराना जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आप इन छोटी छोटी गलतियों के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर सकते हो, आपको क्या करना होगा और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट सही करवा सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इनके अलावा आपको किसी भी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है, तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा ऑथेंटिक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई भी टीचर नहीं बता सकता। जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया है यूपी पुलिस का, वो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएगा। मैंने दिया है तो मैं जो आपको बताऊंगा तो उसे केयरफुली ध्यान से सुनना और वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, और अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन सब की 3-3 कॉपी आपको साथ लेकर जानी है डीवी के टाइम, ठीक है। इसके अलावा 15 फोटो बनवा लेना, वैसे 10 से 12 की जरूरत पड़ती है लेकिन मैं आपको 15 थोड़े ज्यादा ही बता रहा हूँ, ये करंट में चाहे एक दो दिन में खिंचवा लेना लैब वाले अच्छे फोटो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अब कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 5 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और इसके अलावा है ईडब्ल्यूएस। 5 कैटेगरी है और पांचों के लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं। ओबीसी, एससी और एसटी इन तीनों के लिए सिमिलर हैं, लेकिन बाकी दो जो ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले हैं उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल वाले साथियों के बारे में। अगर आप जनरल में हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जनरल में हो। आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थायी प्रमाण पत्र और 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन भी फॉर्म फिल करते समय भरा है फॉर्म में तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेकर जानी है। इसके अलावा आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ आपको एक आईडी और लेकर जानी है, चाहे वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो। इसके साथ ही आपको 3 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से प्रमाणित हो और दूसरा ग्राम प्रधान, अगर आप सिटी में रहते हो तो वार्ड मेंबर से करेक्टर वेरिफिकेशन हो, और तीसरा गाँव या मोहल्ले के अगर आप शहर में हो तो 2 लोगों से प्रमाणित करेक्टर वेरिफिकेशन हो। इस तरह से आपके 3 सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जानी है। ये हो गए जनरल वालों के डॉक्यूमेंट। इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट भी चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। जनरल के बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए। इन तीनों के लिए सेम ही है वैसे डॉक्यूमेंट, लेकिन एक कास्ट सर्टिफिकेट और इन्हें लेकर जाना है। आरक्षण लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, तो आपको वो भी अपने साथ ओरिजिनल लेकर जाना है। कास्ट के अलावा वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल इंटर की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन लगाई है तो, नहीं लगाई है तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा वही वोटर आईडी, डीएल और पैन कार्ड, और इसके साथ ही 3 लोगों से प्रमाणित, एक प्रिंसिपल, दूसरा वार्ड मेंबर या ग्राम प्रधान, तीसरा मोहल्ला या गाँव के 2 लोगों से करेक्टर वेरिफिकेशन। तो ये हो गया ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए जो मैंने अभी बताया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो उनका केवल एक ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र और ऐड हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के साथ उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि उन्हें आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट से ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है, तो इनकम सर्टिफिकेट ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ फिर आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी, पैन कार्ड या डीएल,
एक आईडी और अनिवार्य है आधार कार्ड के साथ, और बाकी इनका भी सेम है। तीन करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, जो उन सबके लग रहे हैं वही इनके लगेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए इनके कैटेगरी वाइज जो जो इन्हें रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो। अब हम बात कर लेते हैं एफिडेविट की। एक एफिडेविट भी बनता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा उससे 4 से 5 दिन पहले। बाकी मैं और आपको अपडेट दे दूंगा। एक प्रोफॉर्मा यूपीपीआरवी की तरफ से अपलोड किया जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट में अपना एफिडेविट बनवाना है। उसमें 12 बिंदु होंगे या 14 होंगे, वो हर वैकेंसी में अलग ही बनवाते हैं। हमारी में 12 थे, हमारे से पहले सारे 14 बिंदु थे, उसमें कुछ बिंदु रहते हैं। तो जो लोग एफिडेविट बनाते हैं वो उन्हें प्रिंट निकाल देते हैं 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। तो आपको एक वो एफिडेविट भी लेकर जाना है, और इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहीं संभाल कर रख दिया हो तो उसे एक बार ढूंढ लेना, उसे फेंक या फाड़ मत देना। वो कंपलसरी है, जब आपका डीवी होगा तब एप्लीकेशन फॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी जब आपने उसमें फिल किया था 2023 में। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है करेक्शन। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई थी फॉर्म फिल करते समय, तो उसका करेक्शन कैसे होगा, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन है, जैसे आधार कार्ड में नाम गलत है, या आपके जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है वो आपने पुराने अपलोड कर दिए थे, क्योंकि उस समय न्यू मांगते हैं 1 अप्रैल के बाद के फॉर्म फिल करते समय। तो अगर आपने पुराने भर दिए थे तो आपका क्या होगा, ये सब कुछ भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाति और निवास प्रमाण पत्र की ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि नोटिफिकेशन में हर बार न्यू जाति और निवास प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करते समय, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की वैकेंसी हो। लेकिन यूपी पीआरवी हमेशा न्यू कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगता है। तो अगर आपने पुराने फिल किए हैं तो घबराइए मत। एक तो उनका प्रमाण पत्र इंटरनेट से निकाल लेना कि वो सत्यापित है या नहीं, ठीक है, वो निकल जाता है, साइबर कैफे वाला निकाल देगा, 10-10 रुपए लेगा। तो एक तो वो निकलवा लेना, इसके अलावा न्यू ही बनवा लेना। अपने नए जो जाति और निवास प्रमाण पत्र हैं वो अपने साथ ले जाना, ठीक है, आप रिजेक्ट नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर आपके नाम में कोई गलती है, अगर आधार कार्ड में कोई गलती है, तो उसका करेक्शन आप करा सकते हो, अभी टाइम है, करेक्शन आपका हो जाएगा। और अगर आपके हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट का कोई रोल नंबर गलत हुआ है या फिर उसमें नाम में कोई मिस्टेक है, तो यार वो तो देखो बड़ी मिस्टेक है, लेकिन कुछ हद तक मिस्टेक यूपी पुलिस में चल जाती है डीवी के समय। ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं चलेगी, कभी आप मेरी वीडियो दिखा के बोलो ये तो कह रहे हैं चल जाएगी डीवी के टाइम। अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक होती है नाम में, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में, तो आप एक करेक्शन एफिडेविट अपने साथ बनवा कर ले जाना। उससे क्या है, जो आपकी मिस्टेक है उसका एफिडेविट बन जाएगा, तो एक वो प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ ये मिस्टेक जरूर हुई है लेकिन ये सत्यापित है कि ये यही आदमी है, कोई और नहीं है, डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक हो गई है। तो करेक्शन एफिडेविट के द्वारा आपकी जो गलती है वो सही मान लेगा भर्ती बोर्ड, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो घबराना मत, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है लेकिन उसे करने का एक तरीका होता है। तो बहुत सारे छात्र अगर उनके किसी चीज में मिस्टेक है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने चले जाते हैं लेकिन वो एफिडेविट बनवाकर अपने साथ नहीं ले जाते, और वहां इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप जाओ तहसील फिर एफिडेविट बनवाओ, ठीक है, हो सकता है उस दिन छुट्टी हो, तहसील बंद हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, केयरफुली पूरी वीडियो आपने देखी होगी। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप सीरियस हो अपने फ्यूचर के प्रति, क्योंकि जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं जो अभी जिंदगी जी रहे हो उससे बहुत अच्छी जिंदगी खुद भी जियोगे और आपके जो बच्चे हैं आने वाली पीढ़ी है वो भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप डीवी के लिए रेडी हो चुके होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगी तो आप अब इस वीडियो को देखने के बाद सही करवा लोगे। तो अगर आपको कुछ और पूछना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। और अगर आपको कुछ और पर्सनल पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हालांकि कम ही यूज करता हूं लेकिन मैं आप लोगों के रिप्लाई देने के लिए देख लेता हूँ डेली या 1-2 दिन के बाद। वैसे मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता ड्यूटी के बाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।